हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। एक क्लास रे आमे मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड रो 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। आपण जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करिनै ताले सब्सक्राइब करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन पारबे एवं टीचिंग एप्टीट्यूड रो अन्य मध्य क्लास कराई छी ताहा देखिबा पय चाहन ताले प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे बा थ्योरी क्लास कराई छी बा अन्य एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन कराई छी ताहा देखिबा पय चाहन ताले प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे बा अन्य क्लास मध्ये। तेणु आरंभ करबा मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 टी टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द टीचर प्राइमरी रोल इन द कोच एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मटेरियल्स। केउथिरे कोन करितांते टीचर प्राइमरी रोल करितांते एवं स्टूडेंट लर्निंग होइथै। ओडिया रे देखबा क्वेश्चन को, निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रयोग विज्ञान रे छात्रर शिखिबा ओ सामग्री को संपूर्ण भावे बुझिबा को प्रशिक्षित ओ सुविधाजनक बनेबा पई शिक्षकर प्राथमिक भूमिका अटे। केउ लर्निंग रे एक भाजे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी बिलीव दैट ओनली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो ट्रू स्पिरिट। केवल वस्तुवादी दुनिया सत्य एवं कौनसी सत्य भावना नहीं बोली क्यों दर्शन शास्त्र विश्वास करे। किए विश्वास करें केवल वस्तुवादी दुनिया सत्य एवं अन्य कौन सी सत्य ना करें आइडियालिजी मैंने था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंसीडर एज ए स्ट्रेटेजी फॉर द सिचुएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिचुएशन फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल ऑफ द क्लास। ओडिया रे देखिबा, निम्न विकल्प मध्यरु केउटी शिक्षकता शिखिबा प्रशिक्षण रे एक विरोधाभास अवस्थार कौशल भावे विवेचना करा जे परिस्थिति श्रेणीर नियंत्रण हरबार भय केउटा अटे। केउटा श्रेणी को संभालिबारे समवाय दल किपरि शिक्षक को साहाय्य करे ताहा वर्णना करिबा। डी ए बहार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द थ्री स्कीम ऑफ सर्वशिक्षा अभियान SSC केबे आसेथिले 2001 मसिहा आसेथिला। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजुकेशन हैज बीन मर्ज इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। एवं एही तीनोटी मर्ज होइके कोन होइथिला, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बा रामसा केवे आसीला 2009 मसीहार एवं टीचर एजुकेशन ये समस्त मिलिकी कौन होई समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज द एम ऑफ साक्षर भारत मिशन फॉर्मुलेटेड इन 2009। साक्षर भारत मिशन 2009 मसीहार तैयारी कर यार मेन एम कौन थिला एचिव 80% लिटरेसी एट नेशनल लेवल बाय फोकसिंग द एडल्ट वुमेन लिटरेसी। केते 80% वुमेन लिटरेसी करबा यार मेन एम थिला खार साक्षर भारत मिशन रो 2009 मसीह आसीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी। केउटा गोटे लर्निंग पढ़वार अक्षमता नुहे कहुच्छे नॉट लिखा जाए डिसग्राफिया माने कौनटे डिसकाल्कुलिया माने कौन गोटे मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम डायलेक्सिया माने कौन गोटे रीडिंग डिसग्राफिया माने कौन गोटे राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हेले था कौन कहजे डिसग्राफिया कहजे सॉरी डिसप्रासिया अच्छे डिसग्राफिया माने कौन गोटे राइटिंग रिलेटेड डायलेक्सिया माने रीडिंग रिलेटेड और डिसकाल्कुलिया माने कौन गोटे कैलकुलेशन रिलेटेड। तेन कोटा गोटे मोर लर्निंग डिजेबिलिटी नुहे कौटा डिसफागिया यह नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एज ए टीचर आई लाइक टू टेस्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी टेस्टेड अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे टेस्ट करा जाए नहीं कहा जाए नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे कौन टेस्ट करा जाए ना
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मेमोरी स्किल, लर्निंग स्किल ना मोटर स्किल? कोटा करा जाए ना मोटर स्किल को करा जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी मस्ट बी डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ द स्कूल टू ऑब्टेन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट दोज द ईयर? फर्स्ट वीक रे कोन करा जते, को एक्टिविटी को करा जते स्कूल रो? वर्ष वर्ष सारा प्रभावशाली श्रेणी गृह परिचालना पाई पाइबा पाई निम्न मध्यरु क्यों क्रियाकलाप विद्यालय आरंभ हेबार प्रथम सप्ताह करा जिबा आवश्यक अटे? केन करा जिबा आवश्यक? समस्त प्रकार विद्यार्थी मानको आवश्यकता पूरण करबा पाई वैकल्पिक क्रियाकलाप गुड़िक प्रस्तुत रखिबा। डी हेबो यार सर्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, दुईटी स्टेटमेंट दे कोटा सठिक अटे कह। नेशनल पोल्यूशन एजुकेशन एनपी वाज एडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1978। 1978 मसीह कौन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आसी ना के आसी 1968 रे आसी 86 रे आसी 2020 मसीह आसी तेना प्रथमटा भूल अटे। सेकेंड रे कौन दी ए कमिटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ईश्वर भाई पटेल इन मे 1990 टू रिव्यू द एनपी एंड द मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स मॉडिफिकेशन। ईश्वर भाई पटेल कमिटी के 1977 मसीह आसाला और से कहीं आसाला SUPW आनी से तेणु सेकेंडटा मैं भूल अच्छे तेणु बोथ भूल अटे बोथ स्टेटमेंट कौन दी भूल अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द पेरेंटल फैक्टर दैट एफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड आर दोज वन किपर एफेक्ट करते पेरेंटल फैक्टर टी निज बापा माँ कर आमर जन्म पूर्व दोष गुड़िक जहाँ पिलार उन्नति अभिवृद्धि को प्रभावित करे ता किपर प्रभावित करी थे जन्म पर प्रभावित करे ना आद प्रभावित करे ना ना जन्म समय प्रभावित करे ना जन्म पूर्वर प्रभावित करे जन्म पूर्व लिखा जाए तेणु यह पूर्व करे तेणु जन्म पूर्व प्रभावित करे पूर्व दोष गुड़िक पूर्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अकॉर्डिंग टू प्रथम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2013 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेट कंसर्न अबाउट क्लास एप्रोप्रिएट लर्निंग? कौन गोटे क्लास एप्रोप्रिएट लर्निंग प्रॉब्लम थिला कहार प्रथम गोटे एनुअल स्टेटस रिपोर्ट थिला केबे से रिपोर्ट आनी थिले से 2013 मसीह आनी थिले कौन प्रॉब्लम थिला से तेरे कौन प्रॉब्लम थिला 78% ऑफ द चिल्ड्रेन इन स्टैंडर्ड थर्ड एंड 50% ऑफ द चिल्ड्रेन इन स्टैंडर्ड भी कैनॉट रीड द स्टैंडर्ड सेकंड टेक्स्ट अर्थात 78% क्लास थ्री रो पिला एवं 50% क्लास फाइव रो पिला कौन पढ़ी पार नथिले दुई क्लास रो पाठ को पढ़ी पार नथिले यहाँ थिला मेन प्रॉब्लम थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मॉडल कैन बी टर्म एज फॉर्मल अथॉरिटी? क्यों टीचिंग मॉडल को कौन कहा जाए फॉर्मल अथॉरिटी कहा जाए? क्या कहा जाए वन व्हेयर द टीचर इज इन ए पोजिशन ऑफ पावर एंड लीडरशिप पोजिशन मोर नॉलेज देन स्टूडेंट अर्थात स्टूडेंट अपेक्षा कौन कर टीचर ही सब अधिक जानी था और स्टूडेंट मैंने कौन था यार किसी जाणी नथान्ति एवं स्टूडेंट मान टीचर मैंने कौन था फॉर्मल अथॉरिटी बा उपरे थांति कोठार ए फॉर्मल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, स्किनर कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द फॉलोइंग एनिमल क्यों एनिमल रे बीएफ स्किनर तांकर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करथिले आमे पढ़ीछे ता विषय रे बीएफ स्किनर विषय तेणु पियाजोन एवं रेड पारा एवं मुसारे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडिंग द क्लास आम क्लास रो लास्ट रे कोटा करिबा नाही
କୋଟା କରିବାର ନାହିଁ। ଡିସ୍କସନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଭେରିଅସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପଚିଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଟୋଟାଲିଟେରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଟୋଟାଲିଟେରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଟେ ଏମ୍, ଏଜୁକେସନ୍ର ଏମ୍ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ବିକେମ୍ ଷ୍ଟେରୋଟାଇପ୍ସ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଟେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟେରିଆନ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ ଟୁ ମେନି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଅର୍ ଫର୍ ଟୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ କର, ଗୋଟେ ଟିଚର୍ କର ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍। ଏନ୍ପିଏସ୍ଏସ୍ସିର ତାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏନ୍ପିଏସ୍ଏସ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍। ଏ ବହିର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍, ଏନ୍ପିଏସ୍ଏସ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 50ଟି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଦେଖିନେଇ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। କେଉଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ କିଏ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସର୍ଟ ଲିହାକୁ କ'ଣ ଖୋଜେ? CIET। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ? NCERT ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ୱାଜ୍ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସକ୍ରେଟିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ଫୋର୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଏନାଲିସିସ୍ ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ୍ରେନିଂ ଫୋର୍ସ ଇଫ୍ ଦ ଫେଭରେଟିଂ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ୱେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦି ଆର୍ ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ଯଦି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିଖିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଯୋଗାଣକାରୀ ନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାକ କଟିଯିବ। ସିଏ ବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟିଚିଂ ମଡେଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟର୍ମ ଏଜ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ। କେଉଁ ଟିଚିଂ ମଡେଲ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିପାରିବା? ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ୱାନ୍ ହ୍ୱେର୍ ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନଲେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ଟିଚର୍ ଥାନ୍ତି, ଉପରେ ଥାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅଧିକ ନଲେଜ୍ ଥାଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଆସୋସିଏଟ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ଆମେ କେଉଁ ବିଚାରକୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବା? କାହାକୁ? ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚେଡ୍ ଅନ୍। କେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 30 ଅଗଷ୍ଟ 1983 ମସିହାରେ ୱିଥ୍ ମଡିଫାଏଡ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ଦୋଜ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କାହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 30 ଅଗଷ୍ଟ 1983 ମସିହାରେ?
कौटा को सैटेलाइट इनसर्ट वन बी को सैटेलाइट इनसर्ट वन बी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इफ मोस्ट ऑफ द लर्नर इन हीरा क्लास आर वीक सी सोल्ड अधिक पिला वीक अच्छा ताले हीरा कौन करने कथा तार क्लास रे तांको तांकर तांकर नीड अनुसार पढ़ाइबा कथा टीच एट देयर पीस विथ नीडफुल स्ट्राटेजी सीए वेयर सटिक आंसर से मानक दक्षता अनुसार आवश्यक उपाय सहित शिक्षादान करने उचित लेवल को देखी से पढ़ाइबा कथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन फोर्थ स्पेस एनालिसिस व्हेन द प्रपोज चेंज इन टू इनकॉर्पोरेट स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिटेनिंग फोर्स इफ द फेवरेटिंग फोर्स इज स्टूडेंट टेंड्स टू हेल्प इच अदर एंड लर्न टू वर्क टुगेदर ओडिया देखा शक्ति क्षेत्र विश्लेषण में विद्यार्थी केंद्रिक शिक्षा जेतेबेले कौनसी प्रस्तावित परिवर्तन को लागू करा जाए जदि समर्थन करथबा शक्ति होची विद्यार्थी माने परस्पर को सहाय्य करंती ओ मिलीमिशी काम करबा सिखंती तेबे विरोध करथबा शक्ति निम्न मध्यरु केउटे अटे ए क्वेश्चन को आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारि छी त कोन हेबो विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा कार्यकलाप गुडी को लागू करबा पई विद्यालय रे सामग्री नाही डी हेबो यार सटिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा सेल्फ रियलाइजेशन और अनफोल्डिंग ऑफ द पोटेंशियल विद इन ए चाइल्ड इज एन एजुकेशनल एम डिस्क्राइब अंडर क्या अंडर में आसी पिला भितर क्यों क्षमता अच्छी जहाँ आत्मबोध किंबा प्रकट करिबा शैक्षिक उद्देश्य अटे या किए डिस्क्राइब करते क्या अंडर यह आसब क्या अंडर आइडियालिज्म आइडियालिस्टिक व्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द वर्ल्ड फास्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट कौन गोटे एजुकेशनल सैटेलाइट फास्ट सैटेलाइट एडुसट दैट इज लॉन्चेड इन इंडिया एट श्रीहरिकोटा इज बेसिकली मेंट फॉर कहीं यहाँ लॉन्च कर एडुसट सैटेलाइट को आम कौन अटे फास्ट एजुकेशन सैटेलाइट अटे कहीं डिस्टेंस एजुकेशन देवाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विथ रेफरेंस टू टीचिंग इन ए क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट लो कॉन्टेक्स्ट कल्चरल क्रॉस कल्चरल संबंध में पढ़ाई संदर्भ में लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर गुड़िक कौन अटे इनफॉर्मल एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कम आउट इन 2007 लिसनिंग आउट वेरियस रिकमेंडेशन टू कंट्रोल रैगिंग रैगिंग कौटा आसी रैगिंग को बंद करने 2007 मसीह कौन आसी राघवन कमिटी रिपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए चाइल्ड हु इज प्रोन टू नेगेटिव एक्टिविटी लाइक फाइटिंग अर्थात खराब व्यवहार करुच्ची से छात्र को आम कौन करवा कौन कहीपर मारपीट करवा चोरी करवा इत्यादि नकारात्मक कार्य कर कार्यकलाप गुड़िक प्रभृत यह पिला कौन कह उचित यह कौन कह अपराधी कह डेलिक्वेंट ये हे यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एम फॉर्मुलेटेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952 सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन के आसा 1952 मसीह तार एम अनुसार क्योंटा गोटे भूल दि जा एथेर कौन कहला डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप सठिक गोटे इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी एथेर वोकेशनल एजुकेशन देवा विषय कहला सहित कैरेक्टर डेवलपमेंट विषय कहला यार अध्यक्ष के लिए ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे सहित डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर लीडरशिप यह कहला कि फीमेल मान लीडरशिप विषय में कौन सी कहला तेनाली यार सठिक आंसर कौन हम कौटा भूल दी कहे सी हे यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कनसेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज एंड सेल्फ वर्थ वाज गिवन बाय आत्मछवि एवं आत्ममूल्यर अवधारणा किए देते कार्ल रोजर्स देते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए स्टूडेंट हु इज आउटगोइंग एंड भेरी कॉन्फिडेंट एंड
ଇଜିଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଇଜ୍ କଲିଂ, କୌଣସି ପିଲା ଯଦି କାହାରି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ମିଶି ଯାଉଛି କାହାରି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ବା ସହଜରେ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ କୁହାଯାଏ ବା ବହିର୍ମୁଖୀ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଫର୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଏଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, UGC ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ CS ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1963। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ CS ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍? ଏ CAS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? କିଏ କରିଥିଲା? UGC କରିଥିଲା 1963 ମସିହାରେ। କାହିଁକି? ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ CAS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ? ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମିଶନ ପୁଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଅନ୍ ଏସେଲେରେଟିଂ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍? ଏଜୁକେସନ୍ର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କରିବା। ଏହା କାହା ଅନୁସାରେ ଅଟେ ବା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ? ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱେ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଟେ, ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଟ୍ୟୁଟରିଂ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଇନଫର୍ମାଲ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏହା ଆସିବ କି? ଏହା ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ, ପିରିୟଡ଼୍ ଥାଏ, ତା ସହିତ ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ୍ ଅଟେ। ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏହା କ'ଣ ଇନଫର୍ମାଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ରାଇଟ୍, ସେକେଣ୍ଡଟା ଭୁଲ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କାଇନେସ୍ଥିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟେକ୍ଟାଇଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏଡୱାର୍ଡ ଟି ହଲ୍ ଥିଓରି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ହାଜ୍ କଲଚର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ? ହାଜ୍ କଲଚର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି? କାହା ଅନୁସାରେ? ଟି ହଲ୍ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଟି ହଲ୍ଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ଭୁଲ୍ ଅଟେ? ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଜବୁତ କରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ହାଇ କଲଚର ମାନେ ବା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାର ମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କେଉଁଟା ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି, କେଉଁଟା ଭୁଲ୍ ଅଛି, ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦକୁ ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଟେ? ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଏନ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍, ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ହୁଏ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ହାଇଜର୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ, ପିଲାଟିକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ମାଡ଼ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପଢ଼ିଯିବ କି, ବା ସେ ଟପର୍ ହୋଇଯିବ କି, ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଦ ଟିଚର୍ ସୁଲ୍, ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବା କଥା? ବିହେଭିଅର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।